हरे कृष्णा। इस दुनिया का आरंभ किसी को पता नहीं। शास्त्र में लिखा है, ये सृष्टि अनादि है जिसका कोई आदि नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में, हम इस सृष्टि का आरंभ नहीं ढूंढ सकते, लेकिन इस दुनिया के शुरू से ही दो तरह के जीव हैं, एक पुरुष और दूसरा स्त्री, क्योंकि इन्हीं दोनों से ही ये दुनिया चल रहा है। भगवान को परम पुरुष कहा जाता है, पुरुषोत्तम श्री हरि, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और उनका शक्ति वो भगवान की स्त्री हैं। जो आध्यात्मिक दुनिया है, गोलोक वृंदावन, इस जगत से परे, वहाँ पर भगवान प्रतिक्षण लीलाएं कर रहे हैं अपने शक्ति श्रीमती राधा रानी के संग, और उन्हीं शक्ति से ही उन्होंने ये जड़ जगत बनाया है, जिसके बारे में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक दुनिया का एक विकृत प्रतिबिंब है। वहाँ पे जो कुछ भी है, यहाँ पर भी वही सब कुछ है, लेकिन उनके विकृत अवस्था में। जैसे कि वहाँ पे प्रेम है जो इस दुनिया में काम बन गया है। अतः भगवान ने इस दुनिया में पुरुष और उसका शक्ति स्त्री को बनाया, ताकि इन दोनों के माध्यम से ये दुनिया चला सकें। इसीलिए भगवान ने ये जो दो विपरीत लिंग स्त्री और पुरुष हैं, उनके बीच में स्वाभाविक आकर्षण दे दिया है। एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, और स्त्री का एक पुरुष के प्रति। लेकिन ये जो आकर्षण है, इसको भगवान ने नियमों से बांधा हुआ है। शास्त्र और साधु के माध्यम से भगवान इन नियमों को प्रचलन किए हैं और करते रहते हैं। जब ये स्त्री और पुरुष का आकर्षण नियमों के दायरे में रहता है, तो सृष्टि में शांति और खुशहाली होती है। सारे जीव आनंद में अपना जीवन जीते हैं और धीरे धीरे अपने कर्म से भगवान की ओर गति करते हैं। और जब ये आकर्षण भगवान के दिए हुए इन नियमों के सीमा में नहीं रहता, नियमों के विरुद्ध होता है, तो इस दुनिया में दुख और अशांति भर जाता है। हर तरफ अराजकता फैल जाता है, जैसे अभी का परिस्थिति है। लोग सिर्फ खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर उनके काफ़ी सारा भय और दुख भरा हुआ है। यही कारण है कि आजकल हम देखते हैं दुनिया भर में, चाहे वो किसी का छोटी सी दुनिया हो, अपना परिवार, या ये पूरा समग्र विश्व, हर तरफ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अपने छोटी दुनिया में पति और पत्नी लड़ते रहते हैं, और इस बड़ी दुनिया में एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है। गृहस्थ जीवन में अक्सर देखने को मिलता है, छोटी छोटी बातों को लेकर पति और पत्नियों में अनबन शुरू हो जाती है। दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ। भक्तों के जीवन में भी कई भक्तों की शिकायत रहती है कि उनके पति या पत्नी उनको भक्ति में सहायता नहीं कर रहे, उनके बातों को नहीं सुन रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? गुरुदेव के एक शिष्य जब ये शिकायत लेकर आए अपने पत्नी के खिलाफ और पूछे, गुरुदेव क्या मैं अपनी पत्नी को जबरदस्ती भक्ति में लगा सकता हूँ? गुरुदेव उत्तर देते हैं, नो, यू कैंट फोर्स हर, आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव, मैं उनका पालन कर रहा हूँ, उनके लिए ही दिन रात मेहनत करता हूँ, उनको सब सुविधाएं देता हूँ, तो क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं उनको जो श्रेय वस्तु है उसके लिए जबरदस्ती कर सकूं? शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव, नो फोर्सिंग बाबा, आप उनको सिखा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनको अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास करो। भगवान की भक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है जो बलपूर्वक आप किसी में ले आओगे, ये तो स्वैच्छिक है, अपने आप आता है। लेकिन हाँ, आप भक्ति को सिखाने का प्रयास कर सकते हो। तुम्हारे हृदय का अंधकार को कौन दूर करता है? साधु दूर करता है, कोई और नहीं कर सकता। साधु हमारे अंधेरे हृदय में भगवान के भक्ति का दीप जला देता है, तभी हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। बिना साधु के कृपा के ये दीप नहीं जलेगा। जब ये कृपा मिल जाती है साधु से, तब हम लोग स्वाभाविक भगवान की सेवा करने के लिए आकृष्ट हो जाते हैं। जब आपके पत्नी को किसी साधु का कृपा मिल जाएगा, तब वो समझ जाएंगे और आपके इन बातों को ग्रहण करने लगेंगे। तब तक आप उनको समझा तो सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अगर बलपूर्वक उनको भगवान की सेवाओं में लगाओगे, तो कुछ काम नहीं बनेगा,
बल्कि उल्टा आप अपने ही जीवन में कई कठिनाइयां ले आएंगे। आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सारे परेशानी शुरू हो जाएंगी, जीवन नरक बन जाएगा। अगर आप जबरदस्ती करोगे अपनी पत्नी को तो वो ऐसी परिस्थिति बना देंगी कि आप रो रो के जिंदगी बिताओगे, जीवन नरक से बदतर बन जाएगा। हर क्षण आपको आग में जल जल के जीना पड़ेगा, समझे? आपका सुखी गृहस्थ जीवन और सुखी नहीं रह पाएगा, इसीलिए नो फोर्सिंग, जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। अभी उनका मन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा, उनका मन भौतिक चीजों में लग रहा है, लेकिन जब उनको इस दुनिया की सच्चाई पता चलेगा कि ये भौतिक चीजें, ये सब हमारा वास्तविक संपत्ति नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण हमारे संपत्ति हैं। वास्तव में इन भौतिक चीजों का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि आज ये आपके पास हैं, लेकिन कल किसी और के पास होंगे। फिर इसका मूल्य क्या है अगर ये आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहेंगे? ये जितने भी भौतिक चीजें हैं ये सब अस्थाई हैं, आज हैं कल नहीं। आज आप एक राजा हो, कल एक भिखारी बन सकते हो, तो क्या मूल्य है इन भौतिक संपत्ति का? काले मित्र अकाले अपर, आज आपके पास पैसा है, धन है, तो काफी सारे लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन कल ये सब चला जाएगा तो वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। फिर ये कैसा संपत्ति हुआ जो आपको सुख नहीं दुख देगा? जो वास्तविक संपत्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण। जिन्होंने भगवान को अपना संपत्ति बना लिया है वही सच में धनवान है, क्योंकि उनका जो संपत्ति है उसको कोई नहीं ले जा सकता, और भगवान कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। इस जगत में जो कुछ भी है, अपना संपत्ति, दोस्त, सगे संबंधी, सब एक दिन हमें धोखा देके चले जाएंगे, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए हमारा सच्चा धन भगवान है। इसीलिए कुंती देवी ने कहा है, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब जिसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं, अर्थात जिनका इस दुनिया के किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है, उनका संपत्ति भगवान स्वयं बन जाते हैं। तो जब उनको ये ज्ञान मिल जाएगा तब वो अपने आप ही इस भक्ति की राह में चले आएंगे, जबरदस्ती से कुछ भी बात नहीं बनेगा। जब तक वो कृपा पाकर ये समझेंगे नहीं तब तक वो आपकी बात सुनकर भी ना सुनने जैसा रहेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। इसीलिए साधु कृपा की जरूरत है। आप उनके लिए प्रार्थना करो, कैसे उनके ऊपर साधु का कृपा हो और वो भी आपके जैसे बदल जाएं, क्योंकि आपने भी तो कृपा के द्वारा ही अपने आप को बदला है, जबरदस्ती से नहीं। गुरुदेव के ये दृढ़ वचन हमें अपने जीवन में गलती करने से रोक देंगे और हम सही समय में सही निर्णय कर सकेंगे। इसीलिए श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव अपने गृहस्थ शिष्यों को हमेशा भगवान के इन नियमों का शिक्षा देते हैं कि पति और पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए। उसे समझ के पालन करके हमारा छोटी सी दुनिया खुशहाल हो जाएगी, और अगर इस दुनिया के अधिकतम परिवार में शांति आ जाएगी तो ये पूरे पृथ्वी में शांति आ जाएगी। गुरुदेव के इन शिक्षाओं को हम यहाँ पर अचिंत्य भक्ति में प्रस्तुत करेंगे ताकि हर एक गृहस्थ इनको समझ के अपने जिंदगी को सवार सके और एक कृष्ण भावनामृत खुशहाल जिंदगी जी सके। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।